कैसे हैं आप सब दोस्तों। हम करने जा रहे हैं एसे 200 रिवाइज्ड, और दोस्तों इसका नाम है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर, कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स। ठीक है सर। तो सर ओवरऑल ऑब्जेक्टिव मतलब कि एक ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव ओवरऑल क्या होना चाहिए, और वो ऑडिटर पहली बात तो भैया इंडिपेंडेंट है। तो इसकी जो पूरी कहानी है वो सनी लियोन और सनी देओल वाले केस में हमने पढ़ी थी, याद आ रहा है आपको कि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या होता है ऑडिटर का। तो ऐसे ही हमने चैप्टर 1 और 2 अब तक जो किए हैं उसमें हमने ये ऑब्जेक्टिव वाला जो सारा केस है वो ऑलरेडी पढ़ लिया है। ठीक है सर, स्टडी कर लिया है। ये पार्ट मैं आपके साथ डिस्कशन पे रखना चाहता हूँ, कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विथ स्टैंडर्ड्स, कि एक ऑडिटर को अपना जो ऑडिट है वो करना चाहिए अकॉर्डेंस विथ किसके अनुसार, किसके डायरेक्शन वाइज, स्टैंडर्ड के डायरेक्शन वाइज। तो एक ऑडिटर कैसे अपने ऑडिट को स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग करे, ये ऐसे इसके लिए है। ठीक है सर, मेरे लिए तरफ से मैं इस वाले फोकस करने वाला हूँ। ये सारा टॉपिक आप 1 और 2 में पढ़ सकते हैं, आपको इसके नोट्स ब्रॉडकास्ट में मिल जाएंगे, और ब्रॉडकास्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है सर। और मेल में बहुत सारे दोस्त कहते हैं सर हमें नोट्स दे दो। यार आपको लगता है कि अगर मैं, आप इतने सारे सब्सक्राइबर हैं, सबको अगर मैं नोट्स मेल करता रहूँगा तो मेरे पूरे दिन का क्या होगा? सर एक होता है कोर एक्टिविटीज़, तो मैं फ़िलहाल सिर्फ अपनी कोर एक्टिविटीज़ पे फोकस करता हूँ, ये काम नहीं कर सकता सर, इसलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स बनाए, आप उसे ज्वाइन करके खुद सर्च करें, नोट्स जितने भी पॉसिबल होंगे सब मैं देख सकूँगा। और अगर बाई चांस मैंने अपनी नेक्स्ट मंथ बुक लॉन्च करी तो मैं अनाउंस कर दूंगा, सिर्फ 100 ही करूँगा, तो सर इमीडिएट एक्शन लेना उस 100 बुक के लिए, अपनी बुक सेट कर लेना अपनी बुक, अदरवाइज मैं और कर ही नहीं सकता सर। और अगर आपको बुक भी नहीं ले सकते, नोट्स भी मिल रहे, तो भैया सिंपल सी बात है, वीडियो देखने के बाद प्रैक्टिस मैनुअल करो। जितने भी टॉप 50 हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, वो कहते हैं कि भैया उनका 100% सिलेबस कवर हो रहा है। ठीक है सर, आप भी यही करोगे, दैट्स इट। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं सीए ड्रीमर्स द एवेंजर, मैं इस चैनल का होस्ट और आप सबका दोस्त विनीत मिश्रा, इस चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों सबसे पहली बात ये क्या कहता है, कंप्लाई ऐसे, कि ऐसे को क्या करो, कंप्लाई करो, या फिर ऐसे को कंप्लाई विथ ऐसे, यानी ऐसे के साथ कंप्लाई करो, क्या रिलेवेंट टू द ऑडिटर, कंप्लाई विथ ऐसे रिलेवेंट टू द ऑडिटर। मतलब एक ऑडिटर के लिए ऐसे को कंप्लाई करना कब जरूरी हो जाता है? ठीक है सर, एक ऐसे को कंप्लाई करना, यूज़ करना, लगाना एक ऑडिटर के लिए कब जरूरी हो जाता है? तो सर आप इसके लिए कह सकते हो कब ये रिलेवेंट है ना, ऑडिटर के लिए कौन सा ऐसे कब रिलेवेंट है ये कैसे पता चलेगा? तो आप इसके लिए पहला पॉइंट कह सकते हो कि ऐसे जो है इज इन इफेक्ट, कि ऐसे जो है वो उस एंटिटी पे लागू होता है। मतलब अगर ऐसे उस एंटिटी पे लग रहा है तो ऑब्वियसली आपको वो ऐसे लगाना पड़ेगा। दूसरा आप कह सकते हो सरकमस्टांसेस एड्रेस्ड, इसे डी बनाने की कोशिश किया मैंने, एड्रेस्ड बाय दी ऐसे एक्सिस्ट। मतलब हालात ऐसे बन के आ रहे हैं, हालात ऐसे आ रहे हैं जो गवाही दे रहे हैं कि भैया बेगेम्बो खुश हुआ, यानी ऐसे एग्जिस्ट करता है। हालात की वजह से आपको पता चला, एंटिटी की वजह से नहीं पता चला, हालात देख के लगा कि भैया इस जगह ये वाला ऐसे आपको लगाना चाहिए। ठीक है, फिर इसी में एक पॉइंट आता है मे नॉट कंप्लाई विथ ऐसे, कि कब ऐसे को कंप्लाई करना, नॉट कंप्लाई विथ ऐसे, ये विथ लिखा है यार, चलो इसको मिटा के दोबारा से लिख देता हूँ। ठीक है, ये लो, मे नॉट कंप्लाई विथ ऐसे। ठीक है, ये क्या कहता है, ये कहता है कि आपको ऐसे कब लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर आपने देखा कब लगाने की ज़रूरत है, और ये कहता है कब लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कहता है इंटायर ऐसे इज़ नॉट रिलेवेंट, कि
क्योंकि अब पूरा का पूरा एसे जो है उसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है लगाने की, उसका कहीं भी किसी भी तरीके से कोई संबंध नहीं है एंटिटी के साथ। और दूसरा पॉइंट आप इसमें कह सकते हो कि द रिक्वायरमेंट इज नॉट रिलेवेंट दैट इज it is conditional and that condition is not exist लिख देते हैं सेटिस्फाइड की जगह। ये क्या कहता है सर? ये कहता है कि रिक्वायरमेंट इज नॉट रिलेवेंट, कि जिस वजह से ऐसे लगना चाहिए था वो रिक्वायरमेंट ही रिलेवेंट नहीं है। इन द सेंस कि भैया जैसे आपसे कहा गया कि वैलेंटाइन डे पे अगर कोई लड़की को कोई लड़का अगर गुलाब देता है तो इसका मतलब उसे प्यार करता है, लेट सपोज, ठीक है। तो ये क्या थी? ये इसकी रिलेवेंट कंडीशन थी। ये कंडीशन है कि भैया लड़के को लड़की को एक गुलाब देना है, गुलाब का फूल, ठीक है, तो माना जाएगा कि वो लड़की जो लड़का जो है उस लड़की से प्यार करता है। तो ये कंडीशन है, तो कंडीशन नॉट एग्जिस्ट, उस लड़के ने वो कंडीशन ही पूरी नहीं की, तो क्या मानेंगे कि भैया ऐसे जो है कंप्लाई नहीं करता, यानी वो लड़का उससे प्यार नहीं करता। मतलब समथिंग एक बकवास सा एग्जांपल है, समझ में आया तो अच्छी बात, वरना इट्स ओके। जैसे आपने कम्युनिकेशन में सीखा होगा कि कम्युनिकेशन में जब आपने सीखा होगा क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, तो उसने कहा होगा कि भैया आप इंटेंशन रखते हो, सिर्फ इंटेंशन रखने से कम्युनिकेशन नहीं होगी, उस इंटेंशन का बी को पता होना भी ज़रूरी है। उसी तरीके से जो कंडीशनल है, जो कंडीशंस हैं इस ऐसे की, वो होगी तो ऐसे लगेगा। आप बात को समझो, कंडीशन जो हैं वो अगर पूरी होती हैं तो ऐसे लगेगा, बट कंडीशंस कहीं लगी ही नहीं तो ऐसे लगाने की जरूरत मुझे पड़ी ही नहीं, ठीक है सर। फिर जो हमारे ऑडिटर भाई हैं उनको क्या करना पड़ेगा? मेंशन इन दी ऑडिट रिपोर्ट, मतलब ऑडिट की जो रिपोर्ट है उसमें हमारे जो भाई साहब हैं उनको मेंशन करना पड़ेगा। मेंशन इन दी ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन करना पड़ेगा। क्या मेंशन करना पड़ेगा? कि कौन सा ऐसे आप फॉलो कर रहे हो, कौन सा ऐसे आप फॉलो कर रहे हो, इसकी रिपोर्टिंग देनी पड़ेगी। क्यों? लेट सपोज इसमें खतरनाक बात क्या है कि आप ये नहीं कि भाई ऐसे 200 भी फॉलो कर रहा हूँ, 220 भी कर रहा हूँ, 230 भी कर रहा हूँ, 520 भी कर रहा हूँ, 530 भी कर रहा हूँ, ये लो देखो जी सारे ऐसे पूरे कर रहा हूँ। अरे भैया किताब की पढ़ी हुई बात से नहीं कि आप बस फालतू में अपना कंटेंट बढ़ाने के लिए सब लिख रहे हो, ऐसे नहीं करना है। आपको ये तभी लिखना है कि आप ऐसे फॉलो कर रहे हो जब आप उसे 100% उस एंटिटी के अंदर कंप्लाई करो, यानी जब आप कंप्लाई करो तभी लिखो। दुनिया को ये दिखाने के लिए कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ और मैंने सारे ऐसे चेक कर लिए, हवाबाजी नहीं करनी। इसको कहते हैं हवाबाजी करना, हवाबाजी नहीं करनी है, शो ऑफ नहीं करना है। क्या शो ऑफ जो होता है ना, विंडो ड्रेसिंग, शो ऑफ नहीं करना है। अगर रियली में करते हो ठीक है तभी लिखना कि हम इस ऐसे का पालन कर रहे हैं, अदरवाइज आपको ये नहीं लिखना है कि शो ऑफ हो जाएगा। आपको एज एन ऑडिटर अपना नाम बढ़ाने के लिए फालतू का नहीं दिखना है कि मैं सारे ऑब्जेक्ट्स पूरे कर रहा हूँ, मैं सारे ऐसे पूरे कर रहा हूँ। तभी लिखो जब आपको रियली में लगता है आपने किया हो। फिर सर एक आता है इसमें ऑब्जेक्ट्स रिलेटेड इन इंडिविजुअल ऐसे, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स रिलेटेड टू इंडिविजुअल ऐसे, कि इंडिविजुअल ऐसे के क्या क्या ऑब्जेक्ट होंगे जो हमें पूरे करने हैं, क्या नहीं करने हैं। तो इसके लिए सर एक छोटा सा नोट मैं आपको कहूँगा, आप लिखो मेरे साथ कि ओवरऑल जो ऑब्जेक्टिव होता है वो अपने आप अचीव होगा अगर आप हर ऐसे का ऑब्जेक्टिव
पूरा करते रहोगे, पूरा करते जाओगे। ठीक है सर। और इसके बाद एक और बात कही गई कि भैया जो ऑडिटर है, ऑडिटर को ठीक लगे तो, ऑडिटर को ठीक लगे तो एडिशनल प्रोसीजर एडिशनल प्रोसीजर्स फॉलो कर सकता है, फॉलो कर सकता है। आप बोलोगे सर ये आपने हिंदी में क्या लिखवाया, क्योंकि भैया इसकी इंग्लिश बहुत टफ है, आप इसे अपनी लैंग्वेज में लिख दो, आपको इतनी इंग्लिश तो बनानी आती होगी, आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। बाकी जहाँ तक किताब की बात है तो डोंट वरी, सारी बातें ये जो बुक है आपकी इसमें मैंने मेंशन की है। इसको कलर करना बाकी है, जब मैं इसका प्रिंट आउट दूंगा और जब बुक प्रोड्यूस करूंगा तो मैं इसको कलर फॉर्म में दे दूंगा। ठीक है सर। तो ये सारी बातें कि भैया आप सिर्फ दिखाने के लिए ना करो, पूरा पूरा करो, ये सारी बातें इसमें मैंने लिखी हैं। ठीक है, डोंट वरी। तो ओवरऑल इसको समझते हैं क्या कह रहा है कि भैया ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, मतलब सारे जो ऑब्जेक्टिव हैं ऐसे के वो अपने आप अचीव हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे, अगर जो हमारा ऑडिटर है, जो हमारा ऑडिटर है वो हर ऐसे का ऑब्जेक्टिव पूरा करे। ठीक है सर। लेट सपोज आज शाम को मेहमान आ रहे हैं, अब किसी ने कहा खाना बढ़िया होना चाहिए, खाना जो है वो बढ़िया होना चाहिए, क्योंकि चिंटी चिंटी की रिश्ते वाले आने वाले हैं। तो भैया समोसे कहाँ से मंगवाए, भैया समोसे मंगवा लो आप अग्रवाल के, अग्रवाल या फिर हल्दीराम के। अच्छा कोल्ड ड्रिंक कौन सी मंगाए, पेप्सी मंगा लो। अच्छा खाने में क्या मंगाए, अरे पनीर की सब्जी। कहाँ से मंगाए, अरे यार इसको हल्दीराम से बोल दो कि वहाँ से आ जाएगा। ओवरऑल हर ऑब्जेक्टिव को आप अचीव कर रहे हो तो मेहमान तो खुश हो ही जाएंगे ना। उसी तरीके से जब ऑब्जेक्टिव पूरा करते जाओगे, हर एसे का ऑब्जेक्टिव आप पूरा करते जाओगे, तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिटर अपने आप पूरा हो जाएगा। और एसे 200 का नाम क्या है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिटर। ठीक है सर। तो अगर आप हर एसे का ऑब्जेक्टिव पूरा करोगे तो ओवरऑल जो ऑब्जेक्टिव है एक ऑडिटर का वो अपने आप पूरा हो जाएगा। आई होप यू गॉट इट। और अगर ऑडिटर को लगता है कि मेरा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हो रहा है, ठीक लगे तो, अगर ऑडिटर को ठीक लग रहा है, ठीक है सर, तो वो कोई भी एडिशनल प्रोसीजर्स वगैरह फॉलो कर सकता है। सर एक चीज़ मैं बता दूँ, जो वर्ड मीनिंग्स मैंने पहले बता रखे हैं मैं उन्हें रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि सर आप सभी को कम समय में ज़्यादा चाहिए, और जो नहीं बता पा रहा हूँ मैं फिर भी, तो समझ जाना कि उसका नेक्स्ट चैप्टर यानी नेक्स्ट चैप्टर 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कहीं ना कोई लिंक आएगा वैसे करेंगे। और सर मैंने जो प्लानिंग बताई है, जैसे ये एसे आज एक आएगा, ठीक है सर, एक और इसके बाद, मतलब 3 एसे आज लगातार आएंगे, उसके बाद मैंने सोचा है कि भैया पहले चैप्टर 3 कंप्लीट करेंगे, 4 करेंगे, उसके बाद कंपनी ऑडिट का पार्ट 1 करेंगे, कंपनी ऑडिट का फिर पार्ट 2 करेंगे, फिर गवर्नमेंट ऑडिट, स्पेशल ऑडिट, ये सब करेंगे, उसके बाद ईडीपी वगैरह का चैप्टर करेंगे, उसके बाद जो बच गया हमारा फिर हम वाउचिंग और वेरिफिकेशन करेंगे। ठीक है सर, इस सीरीज़ में करेंगे। ये मार्क्स वाइज है, क्योंकि 1, 2, 3, 4 कहा जाता है कि भैया इससे 40 से 50 मार्क का आता है एग्ज़ाम में। कंपनी ऑडिट सर ये भी कहा जाता है कि ये 30 मार्क तक पूछ लिया जाता है, तो ओवरऑल ये कवर हो गया। फिर इन तीनों से आपके 20 से 30 नंबर एक्सेप्ट किए जाते हैं, फिर ये 16 नंबर का आता है। तो ओवरऑल मैं आपका 100% करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है सर, बस आप अपना 100% डेडिकेशन देते रहना। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। ये प्लानिंग ऐसी आया माइंड में तो मैंने आपसे शेयर कर दी। फिर सर एक आता है डिपार्टर, कुछ लोग डिपार्चर बोलते हैं, कुछ लोग डिपार्चर बोलते हैं, कुछ भी बोल लो भैया, मैं तो सर डिपार्चर पढ़ता हूँ, डी दीपा भी नहीं, दीपा दीपा र चर, इससे क्या होगा स्पेलिंग गलत नहीं होगी, स्पेलिंग का बहुत ध्यान रखना है। डिपार्च फ्रॉम अ रिलेवेंट रिक्वायरमेंट, ठीक है सर, मतलब इसका मतलब है ओए राजू प्यार ना करियो दिल टूट जाता है। तो राजू ने क्या किया, अपने पापा की बात नहीं मानी। राजू के पापा ने कहा था कि बेटा सीए कर रहे हो तो आशिकीबाजी में मत लगना, क्योंकि दिल टूटेगा तो अटेम्प्ट छूटेगा, और अटेम्प्ट छूटेगा तो बेटा कैरियर भी 6 महीने पोस्टपोन्ड हो जाएगा। तो राजू ने रिलेवेंट रिक्वायरमेंट की बात नहीं मानी, डिपार्चर फ्रॉम और रिलेवेंट रिक्वायरमेंट मतलब
कोई एक ऐसी बात है जो रिलेवेंट थी, क्या थी? रिलेवेंट थी, फिर भी राजू उस बात को नहीं मान रहा है। अच्छा, इस केस में क्या होगा? पहली बात तो हमें यह बताना पड़ेगा कि आपने आपने पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट को फॉलो क्यों नहीं किया, ठीक है सर। पर्टिकुलर जो रिक्वायरमेंट थी आपके एसे की, वो आपने पूरी क्यों नहीं की, पहले तो इसका जवाब दो, ठीक है। फिर दूसरा जवाब दो कि अगर फॉलो नहीं किया, अगर आपने फॉलो नहीं किया तो क्या किया, अगर आपने फॉलो नहीं किया तो क्या किया, ठीक है सर। फिर आप इसके रिकॉर्ड्स बताओ, आपने क्या क्या रिकॉर्ड मेंटेन किए, मेंटेन करो अपने रिकॉर्ड्स का और अपने डॉक्यूमेंट्स का, कि भैया आपको जो एसे लगाना था आपने लगाया नहीं, उसकी बात नहीं मानी, क्यों नहीं मानी बताओ, और फिर क्या किया उसके प्लेस पे ये बताओ। फिर आप इसके रिकॉर्ड्स को और डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन करो, इससे क्या होगा, इससे आप अचीव कर पाओगे, टू अचीव द एम ऑफ दैट रिक्वायरमेंट, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं कि मैं आपको ना एग्जांपल देके समझाता हूँ, मुझे पता है आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा क्या कह रहा है मास्टर। देखो सुनो, आपने एक कहावत सुनी होगी कि ये घी का डब्बा है, किसका डब्बा है, घी का। अगर घी में सीधी उंगली डाले और घी ना निकले तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, टेढ़ा करना पड़ता है। ये डिपार्चर फ्रॉम रिलेवेंट रिक्वायरमेंट यही है कि भैया आपने पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट थी कि भैया उंगली सीधी करके घी निकालो, नहीं निकल रहा था तो फॉलो क्यों नहीं किया, तो मैं जवाब दे रहा हूँ ना, नहीं निकल रहा था, तो उसने कहा नहीं निकल रहा था, मैंने कहा नहीं, तो आपने क्या किया, मैंने उंगली को टेढ़ा किया, तो इस बात का रिकॉर्ड रखूंगा कि भैया मैंने उंगली टेढ़ी की, और मैंने उसका डॉक्यूमेंटेशन भी रखूंगा कि भैया इस वजह से मैंने टेढ़ी की। और फाइनली मैंने क्या किया है, मैंने अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर को लगाया है, और उससे फाइनली क्या हुआ है, ताकि मैं अचीव कर पाऊँ अपने काम को और अपनी रिक्वायरमेंट को, यानी सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा था तो मैंने क्या किया, उंगली को टेढ़ा किया है। यानी हिंदी में हम कह सकते हैं तरीका अलग है लेकिन मकसद अभी वही है, ठीक है सर। एक ना सीरियल आता है, पता नहीं क्या चैनल का लोगो है, रिश्ता वही सोच नहीं रिश्ता वही, ऐसी समथिंग है, दैट इज डिपार्चर फ्रॉम रिलेवेंट रिक्वायरमेंट। आई होप आपको समझ में आया हो। फिर सर इसमें लास्ट टॉपिक जो मेरे पढ़ाने लायक है, उसके बाद आप खुद ही चैंपियन है, पूरा ऐसे आप नोट्स से पढ़ेंगे, प्रैक्टिस मैनुअल से पढ़ेंगे, कहीं से ही पढ़ना है पढ़ेंगे, ये नोट्स मैं अपने टॉप 50 के साथ तो शेयर कर ही दूंगा, ठीक है सर। ये डिपार्चर की पूरी कहानी थी, और फिर फेलियर टू अचीव एन ऑब्जेक्टिव, ये मेरा लास्ट टॉपिक है, बाकी सब तो आप खुद से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या पढ़ना है, आपका लास्ट टॉपिक जो मेरे पढ़ाने लायक है वो है फेलियर टू अचीव एन ऑब्जेक्टिव स्टेटेड इन अ रिलेवेंट एसे, ठीक है। मतलब वो क्या वजह थी कि आपने ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं किया रिलेवेंट एसे का, ठीक है। अगर यार एक आध वर्ड भूल जाऊं तो लगा दिया करो, ठीक है। रिलेवेंट एसे का ऑब्जेक्टिव आप अचीव क्यों नहीं कर पाए, आपका फेलियर क्यों हुआ, ये बताओ। तो भैया ये बड़ा सिंपल है, इसको रटने की जरूरत नहीं है, आप लिख सकते हो वेदर दिस प्रिवेंट ऑडिट फ्रॉम ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। क्या मैनेजमेंट ने आपको काम करने से रोक लगाई, दैट इज प्रिवेंट, ठीक है। फिर आप क्या कह सकते हो, मैं अपना ओपिनियन मॉडिफाई कर सकता हूँ, मॉडिफाई दी ओपिनियन, मैं कह दूंगा भैया सबूत मिल ही नहीं रहे हैं, वो मुझे सब कुछ करने नहीं दे रहे हैं, मैं करना चाहता हूँ रोक रहे हैं, मैं नहीं कर सकता। या फिर ऑडिटर क्या कर सकता है,
ऑडिटर अपना विड्रॉवल कर सकता है, कहता है मैं ऑडिट नहीं कर रहा भैया, मेरे बस की नहीं है, क्योंकि ये मुझे मेरा ऐसे फॉलो नहीं करते हैं। और फिर आपका ओवरऑल क्या हो गया, फेलियर हो गया टू अचीव एन ऑब्जेक्टिव, मतलब मेरा जो ऑब्जेक्टिव था उसको प्राप्त करने में फेलियर आ रहा है। तो ऐसे 230 के अंडर में, ऐसे 230, अरे बाप रे बहुत गंदा लिख दिया ना मैंने, राइटिंग बहुत ख़राब हो गई, पता नहीं क्या यार जल्दी जल्दी लिखता हूँ ना राइटिंग गंदी हो जाती है, ठीक है। ऐसे 230 के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंटेशन को मेंटेन करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन। फिर ये ऐसे फिनिश हो जाता है, फिर एक डॉक्यूमेंटेशन का टॉपिक आता है, तो उसमें आप यही कहोगे कि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या थे क्या नहीं थे, मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, ठीक है सर, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था, आपने इसे कैसे पूरा किया, इसमें क्या डॉक्यूमेंट बनाए, इसमें क्या डॉक्यूमेंट बनाए, आपका रिलेवेंट ऐसे क्या था, ऐसे पूरा करने में किसी ने प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं की, ऐसे आप पूरा कर पाए कि नहीं कर पाए, पूरा नहीं कर पाए तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आई वो बताइए, अगर आप पूरा कर पाए तो आपने उसके डॉक्यूमेंट्स मेंटेन किए या नहीं ये बताइए। तो और डॉक्यूमेंटेशन का टॉपिक भी यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो ओवरऑल ऐसे 200 में जो इंपॉर्टेंट पार्ट था जो आपने अब तक नहीं पढ़ा था वो मैंने आपके साथ शेयर किया। और आप क्या बोल रहे हो, राइटिंग अच्छी नहीं है, भाई इतनी भी बुरी नहीं, ये देखो थैंक यू लिख के दिखाऊँ प्यारा सा, थैंक यू, और क्या लिख के दिखाऊँ, गॉड ब्लेस यू, ये देखो गॉड ब्लेस यू, यार वो ना एक्चुअली मैं फास्ट फास्ट लिखता हूँ ना तो नहीं बन पाती राइटिंग। चलो गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, अपना ख्याल रखिएगा और कंटिन्यूसली मुझे 20 फेब तक 100% दे दीजिएगा, मैं आपके 80+ दिलवा दूंगा। अगर आप किसी भी बैच में नहीं है ना टेलीग्राम पे, मतलब मेरे टॉप 50 बैच में नहीं है, तो भी आप परेशान मत होइए, आप इन वीडियो को प्रेफर कीजिए और आप अपने प्रैक्टिस मैनुअल को फॉलो कीजिए, आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे, और ये ICI का है, ठीक है सर, और किसी की कोई बुक रेफर नहीं करोगे तो भी चलेगा, ठीक है सर, बाय बाय। और एक बात और बोलनी थी, वो ये कि नालायक को जब तक मैं बोलूँगा नहीं तब तक तुम लाइक नहीं दबाओगे, जब तक बोलूँगा नहीं आप कमेंट नहीं करोगे, मतलब और मैं वीडियो ना डालूँ तब इतने कमेंट कर दोगे कि सर वीडियो कहाँ है, वीडियो कहाँ है, यार थोड़ी सी मेहनत देखा करो बंदे की, बंदा भी थोड़ा काम कर रहा है, उसके लिए भी थोड़ा लाइक और कमेंट कर दिया करो, समझा करो यार, जानम समझा करो, चलो बाय।